हेलो स्टूडेंट, आज सबसे पहले मैं उन सभी को ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूँगा जिन्होंने TES के लिए अप्लाई किया था, टेक्निकल एंट्री डायरेक्ट के लिए, और उनका सिलेक्शन हो गया है, यानी वो सिलेक्टेड लिस्टेड में उनका नाम आ गया होगा। उन सभी को ढेर सारी बधाइयाँ दूंगा। ये सेशन इसलिए ले रहा हूँ कि अब आगे क्या हम SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस ढंग से करें, क्योंकि आपने जैसे ही कल से जब से आया हुआ आपने मुझे फ़ोन किए, मैसेज किए, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं प्रॉपरली। दूसरा, आपने ये पूछा था कि न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि इस बार आपके लिए SSB का बैच भी रहेगा। किस ढंग से प्रिपरेशन होगी, कौन सा मंथ आप सिलेक्ट करें कि इंटरव्यू के लिए, ये सब आपके क्वेश्चन थे, तो मैं आपको इस बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो बहुत सारी बधाइयाँ फिर से। और देखिए, जब मैंने TES के लिए एक सेशन लिया था नोटिफिकेशन के समय, उस समय मैंने बोला था कि मिनिमम 70% मांगते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, पर नॉर्मली 80% के ऊपर वालों का ही कॉल आता है। और मैंने ये भी बोला था कि 85 के ऊपर हैं तो चांसेस लगभग 90% के ऊपर हैं, और 80 से ऊपर हैं तो चांसेस 50। इस बार अगर हम देखें तो 85 के ऊपर के परसेंटेज वाले बच्चों का कॉल आया हुआ है। अब उनको SSB इंटरव्यू के लिए जाना है। अब SSB इंटरव्यू के लिए आपको डेट सिलेक्ट करनी है, तो वो डेट कौन सी हो इन अ मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त और सितंबर। तो मैं आप सबको, जैसे मैं यहाँ पर एक चीज़ प्लान कर रहा हूँ कि अगस्त का मंथ जो होगा SSB के लिए इस बेस्ट आएगा, क्योंकि जो SSB देते हैं TES के थ्रू वो NDA-2 भी देने वाले हैं। तो अगर आप अगस्त में देते हैं तो आपको यहाँ सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 मंथ्स मिल जाएगा। दूसरा, अभी आपको पूरा पूरा जुलाई मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सभी बच्चों को बोला है, इसलिए आप लोगों ने मुझे कल से ये जो मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, इसलिए मैं सेशन ले रहा हूँ कि आपको, अच्छा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 79-80% थे, उनको कॉल नहीं आया, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी बोला था डिफेंस एक डिफरेंट टाइप का एग्जाम है, आप अपना NDA-2 पे बिल्कुल फोकस रखिए, उसमें कहीं पे भी डाइवर्ट मत होइए। अब एक और बात बोलना चाहूँगा कि TES-42 के लिए SSB के साथ साथ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने NDA-1 दिया था, ऑलमोस्ट सभी ने दिया होगा, NDA-1 का रिजल्ट भी 30 जून तक आ जाना चाहिए, बिफोर 30 जून, और इसका भी फिर SSB होगा। इसलिए हम लोगों ने जो प्लान किया वो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, इस और NDA-1 में तो वो लोग भी हो सकता है जिनका भले TES से कॉल ना आया हो, पर हो सकता है आपका NDA-1 हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर बैच जो है वो जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं SSB के लिए, वो होगा 15 जुलाई से हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे, जो कि 15 डेज की ट्रेनिंग रहेगी। बट ये कहने को 15 डेज होगी, ये जब तक चलेगी जब तक कि आपका SSB वाला डेट नहीं लेते आप। तो मेरा ये प्लान है, जैसे आप अगस्त के फर्स्ट सेकंड वीक में ले सकते हैं, और आपका SSB सेंटर भोपाल है तो और अच्छी बात है, वेल एंड गुड। तो आप चाहें तो SSB के लिए ट्रेनिंग के लिए भोपाल आ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रॉपर आपकी ट्रेनिंग होगी, किस ढंग से स्क्रीनिंग में आप आउट ना हो वो बताया जाएगा, उसकी एक प्रॉपर टेस्टिंग होगी। कॉन्फ्रेंस आउट बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं वो ना हो, इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ग्राउंड पे किस ढंग से वर्क होगा, ये सारा प्रिपरेशंस आपको करवाया जाएगा। और आपका NDA-1 का भी अगर रिजल्ट आ जाता है, और मान लीजिए TES के लिए तो भी, तो ये सभी बच्चे SSB के लिए जुलाई फर्स्ट वीक से आना चालू कर सकते हैं चाहें तो। और फिर इसका एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से प्लान रहेगा, वो चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। इनफैक्ट जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उन सबको एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपका TES या NDA-1 से कॉल आता है, अगर TES से आता है तो इमीडिएटली इन्फॉर्म करें ऑफिस में, या फिर आपका NDA-1 का भी जब भी रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद, तो हम आपको जो स्क्रीन टेस्ट होता है वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग का, वो टेस्टिंग भी आपकी चालू कर देंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप सब लोग बिल्कुल फोकस रहें, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा कि SSB ये 15 दिन की ट्रेनिंग जरूर हो रही, पर SSB 15 दिन की ट्रेनिंग नहीं है, SSB आपकी एक्चुअल लाइफ स्टाइल है। SSB एक वो चीज़ है जिसके लिए आपको समझना होगा कि क्या करना है। मैं आपको एक बहुत अच्छा और बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ कि SSB में क्या चीज़ें हैं जो चेक करते हैं। SSB का मतलब होता है आपको, आप कंट्री के लिए किस ढंग से सोचते हैं, आपका लाइफ स्टाइल क्या, आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, आप साइकोलॉजिकली कितने स्ट्रांग हैं, आप क्या सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रोड पर जा रहे हैं और आपने देखा कि कोई एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है आप बहुत भीड़ लगी हुई, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप ये क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए। तो आप जा रहे हैं, आपने देखा रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, हो सकता है आप निकल जाएं, हो सकता है आप रुक जाएं, पर अगर आप निकल गए और पीछे से किसी ने आवाज़ दी कि आपका छोटा भाई है, तो आप तुरंत लौटेंगे, उसको उठाएंगे और लेके हॉस्पिटल जाएंगे और उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। फर्स्ट केस में और सेकंड केस में एक डिफरेंस था, फर्स्ट केस में आपका उससे कोई रिलेशन नहीं था, और सेकंड केस में आपसे उसका रिलेशन था, आपने इमीडिएटली उसके पास आए और उसको ले गए। यानी ये एक चीज़ आप समझिए कि जब आपका उससे रिलेशन था तो ही आप पीछे लौट के आए। SSB में एक चीज़ देखी जाती है, अब जब आप जिस कंट्री के लिए आप डिफेंस में जा रहे हैं, आपको उन लोगों के लिए करना है जिनको आप नहीं जानते,
तो अगर आपके अंदर फीलिंग है कि अगर वो आदमी जो पढ़ा हुआ है उसके लिए देख के आपके अंदर कोई फीलिंग नहीं आती, तो आप समझ लो कि आप डिफेंस के काम के नहीं है। क्योंकि आप जब ही लौटते हो, जब आपको पता चलता है आपका भाई है, तो आप समझो इस बात को जो मैं कहना चाहता हूं, यानी वो इंसान जिनको आप नहीं जानते उनके लिए आपको कुछ कर दिखाना है। इसलिए हर एक इंसान इंपॉर्टेंट है, हर एक इंसान आपका कोई ना कोई रिलेशन रखता है, ये मान के आपको सोचना पड़ेगा। आप अगर बॉर्डर पे, बहुत ही स्ट्रांग एटीट्यूड लगेगा। दूसरा, जब आप रफ पेज पे लिखते हैं तो हमेशा कई बार गंदा लिखते हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि रफ पेज पर जब गंदा लिखते हैं और मैं पूछता हूँ क्यों लिख रहे हैं, तो बच्चे मुझे बोलते हैं फेयर कॉपी में अच्छा लिखेंगे। जब फेयर कॉपी का थर्ड पेज देखेंगे तो वही होता है जो रफ कॉपी का, यानी आपका हर काम रफ कॉपी पे भी जो कर रहे हैं वो भी इतना प्रैक्टिकल हो, फेयर काम हो, कि आपको कभी अलग से आर्टिफिशियल बनने की जरूरत ना हो। क्योंकि फेयर कॉपी का पहला पेज आर्टिफिशियल होता है, थर्ड पेज वो होता है जो एक्चुअल होता है। जब आपका इंटरव्यू होगा, 30 मिनट के आसपास का इंटरव्यू होता है, उसमें आप 5-10 मिनट में आर्टिफिशियल रह सकते हो, उसके बाद आप एक्चुअल पोजीशन पे आ जाओगे। तो एसएसबी के लिए अपने आप को मेंटली फिजिकली तैयार करना होगा, यानी आपके थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होना चाहिए, आपकी इमेजिनेशन पावर क्लियर होना चाहिए। जो इवेंट्स हो रहे हैं दुनिया में उनके ऊपर आपके अपने थॉट्स क्या है वो समझना। आप कहीं और भी ट्रेनिंग करें या यहाँ पे भी करें, मैं एक चीज बोलता हूँ कि हम आपको गाइडेंस देंगे, रटना नहीं है। आपको एक इमेज दी जाएगी, उसके ऊपर आपको स्टोरी लिखनी, पर वो आपके अपने थॉट्स होना चाहिए। तो आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप क्या सोचते हैं कंट्री के लिए, आप क्या सोचते हैं, आपकी हॉबीज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपकी हॉबी मान लीजिए क्रिकेट है, आपकी हॉबी मान लो हॉकी है, फुटबॉल है, तो आप उसके बारे में कितना जानते हैं। आप जो कुछ बोल रहे हैं आपका हर बोला हुआ वर्ड मायने रखता है। बहुत ही बैलेंस आपको होना चाहिए, जो बहुत बैलेंस होता है, हर सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, वो इंसान एसएसबी में सेलेक्ट होता है। तो मैं चाहूंगा कि आपका अगर एसएसबी से कॉल आया है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप बिना रिटर्न एग्जाम दिए भी इसको क्वालिफाई कर लेंगे तो डिफेंस में ऑफिसर रैंक पर जा सकते हैं, यानी आप डायरेक्ट एक आपके पास अप्रोच है। और अगर एनडीए 1 का रिजल्ट आता उससे भी आप जा सकते हैं, यानी आपके पास डिफेंस में जाने के रास्ते कई सारे हैं। पर हर रास्ते का एक ही बात है कि अगर आप ऑफिसर रैंक पे जा रहे हैं तो एसएसबी को आपको क्रैक करना है, यानी एसएसबी आपको क्वालिफाई करना है। इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ही पॉजिटिव माइंड से पहले पूरा इंटरव्यू प्रोसेस क्या है वो, उसके लिए मैंने एक सेशन लिया था, वो आपने देखा भी होगा, उसको देखिए। अभी कुछ सेशंस मिलते चलेंगे, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के टेस्ट कैसे होते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो आप बहुत ही पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन करिए। अगर आप भोपाल सेंटर लेते हैं एसएसबी के लिए तो आप भोपाल आके प्रिपरेशन कर सकते हैं, या आपको जहां पे भी करना है, इस डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि आप अपने एटीट्यूड को बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रांग रखिए। और बिल्कुल, और आप क्योंकि सभी लोग पूछा था एनडीए 1 का रिजल्ट कब आएगा, तो बहुत जल्दी कभी भी रिजल्ट आ सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग अभी आपके पास टाइम है, उसी के अकॉर्डिंग आप एसएसबी को आप, क्योंकि हो सकता है जिनका टीएस से कॉल आया उनका एनडीए 1 भी सिलेक्ट हो जाए, और हो सकता है जिनका टीएस से कॉल नहीं आया वो एनडीए 1 में सिलेक्ट हो जाए, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो निराश नहीं होना है, तो आपका जो भी रिजल्ट आता है उसको एक्सेप्ट करके मूव करना है। तो जितने भी बच्चे एसएसबी के लिए सिलेक्ट हुए हैं एक बार फिर मैं बधाइयां देना चाहूंगा, और आप अपनी डेट अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करिए। मैंने तो जो अगस्त इसलिए बोला है कि आपके पास एक 1 मंथ का टाइम होगा जो आपको प्रिपरेशन के लिए काफ़ी अच्छा होगा, पर आप उसके आगे पीछे कभी भी ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।